दुर्गा मंदिर में, माँ दुर्गा मंदिर में देख सकते हैं हम लोग हमारे रोहित पुजारी जो अभी विधायक की गगन को टिकट मिले कन्फर्म हो गया, उनके साथ उनके सारे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, मैडम भी मौजूद है। नमस्ते, आइए देखते हैं किस तरह पूजा पाठ की जा रही है। ठीक है ठीक है अब रोहित पुजारी हमारे सामने माँ दुर्गा के पास आया, माँ के पास आए, कहते हैं हे माँ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी रक्षा कर और हमारे पार्टी की भी रक्षा कर, क्योंकि हमारा नाम पूरे उड़ीसा में होना चाहिए, क्योंकि हम भी जानते हैं रोहित पुजारी 30 से 35 से 40 हज़ार के वोट में जीतेंगे, क्योंकि संबलपुर की जनता अब इन्हीं की तरफ आकर्षित है। हर कोई कहता था रोहित लाओ रोहित लाओ, संबलपुर बचाओ, हर तरफ एक ही नारा चलता है। और यहाँ पर रोहित पुजारी के साथ में हमारे कई उनके नेतागण, उनके चाहने वाले सारे के सारे मौजूद हैं। आओ, अब पीछे भी हमारे उनके खास वर्कर भी पहुंच चुके हैं, जेकी भाई भी आ चुके हैं। अरे महाराज जी नहीं है, मोहन महाराज जी कौन कराइए कराइए पूजा की पूरी है। लो 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 आराम से किसी प्लेट में ले आ, एक ही साथ आ जाएगा सर। जो हुलूली में नहीं हुलूली में चलिए रोहित जी बोल दीजिए थोड़ा। आज हम सामने रोहित पुजारी, पहले भी विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके हैं और कई पोस्ट में भी रह चुके हैं। सर अभी संबलपुर के लिए, संबलपुर की जनता ही आपकी उपेक्षा करे थी, कहते थे 5 साल तो कुछ भी काम नहीं किया, ऐसा कोई आदमी आए जो हम लोग का नदी को पार लगाए, हमारे नौका को पार लगाए और हम लोग हमारा संबलपुर को डेवलपमेंट करे, क्योंकि 5 साल तक कुछ भी काम नहीं हुआ सर। और हर तरफ चर्चा आपका नाम का है, रोहित 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 लोग बोलते हैं कि रोहित जी आ जाए और हमारा उद्धार हो जाए। तो आज सर माँ के पास आए, आप उनसे आशीर्वाद भी लिया और माँ भी आपको आशीर्वाद भी दिए, तो सर अभी आप इसके बारे में बताएंगे सर। देखिए हम लोग माँ का आशीर्वाद लेने आए थे और हमारा आज खुशी का दिन है कि हमारे जो सांगठनिक संपादक हैं बॉबी बाबू प्रणब प्रकाशन, उनको हमारे जो नेता हैं हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, उनको मनोनीत किए हैं यहाँ से सांसद बीजू जनता दल से लड़ने के लिए। जी सर। तो वो लड़ने से हमारा और हमारा उम्मीद है कि वो बहुत वोट से यहाँ जीतेंगे, जितने से हम लोग भी साथ में जितने एमएलए लड़ेंगे सब भी जीतेंगे और संबलपुर का जो विकास बहुत कारण यहाँ पे एमपी और एमएलए पहले बीजेपी का था, दोनों 5 साल से ना दिखे गायब हो गया। जी सर।
तो अभी हम लोग काम करके दिखाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज संबलपुर की जनता खुश हो जाएगी जब आपको देखेंगे हमारे न्यूज चैनल में। अब हमको कोई पार करने वाला, और एक और एक 11 रोहित जी यार दोनों मिल जाएंगे एमपी और एमएलए, तो और क्या नहीं होगा। आपकी आवाज संबलपुर जसवीर सिंह। थोड़ा सा अरे अपन बड़ो आशीर्वाद ब्रह्मा सर्व मंत्रमय सत्या।